हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र भंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ हिंदी के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। साथ ही अपने फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास शेयर भी कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन। इसके लिए ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आवंटित अंक जो दिए गए वो 4 दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसे अपने पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्र द्वारा प्रेषित की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे गांधी आश्रम 105 शिवपुरी, और ये यहाँ पर दिनांक। अब आदरणीय पिताजी, इस प्रकार से आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। फिर यहाँ पर आएगा सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है कि आप पूरी तरह कुशल होंगे। मेरी परीक्षाएँ निकट आ रही हैं, मैं स्वयं से अध्ययन में जुड़ गई हूँ या जुड़ गई हूँ या जुड़ गया हूँ, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी चल रही है। थोड़ी सी कठिनाई अर्थशास्त्र की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी प्रथम श्रेणी से के अंक प्राप्त करने में सकुशल रहूँगी। पूजनीय पिताजी को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार, आपके आज्ञाकारी पुत्री अबसा। अब आपको एक विशेष ध्यान आपको इसमें यह रखना है कि यदि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में यदि आपको एड्रेस दिया जाए तो जो एड्रेस दिया जाए आपको वही एड्रेस लिखना है। ठीक है, और कोई कारण दिया जाए कि इस कारण की वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे पैसे मंगवाने हो मनी ऑर्डर के लिए, यानी हॉस्टल या स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, ट्यूशन फ़ीस के लिए, तो उसको आपको बॉडी ऑफ द लेटर में शो करना है। साथ ही यदि आपका नाम दिया जाए कि आपका नाम ये है, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है शिवानी वर्मा है, तो आपको यहाँ पर आपकी आज्ञाकारी पुत्री शिवानी वर्मा आपको यहाँ पर लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे जैसे प्रिय संजय सहस ने, राहुल के पत्र से पता लगा कि तुमने कक्षा 10वीं, माफ़ कीजिएगा, 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ली है। यह समाचार सुनते पढ़ते ही मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया। इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई। ईश्वर तुम्हें और अधिक सफलताएं प्रदान करे, तुम जीवन की हर परीक्षा में सफल हो। अन्य समाचार लिखना, अपने माता पिताजी को मेरा चरण स्पर्श कहना। ठीक है, तुम्हारा मित्र, तो यहाँ रमन नाम दिया गया है तो आपको रमन लिखना है, क्वेश्चन में यदि कोई नाम दिया गया है तो वही लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल सामग्री की व्यवस्था हेतु पत्र लिखना है। तो हम लिखते हैं कि सेवा में, है ना, ये एप्लीकेशन है, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर लिखा जाता है सेवा में या फिर प्रति। प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, स्कूल का यदि नाम दिया जाता है क्वेश्चन में तो स्कूल का नाम लिखना है, नहीं दिया जाता है वो आप अपने स्कूल का भी लिख सकते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश। विषय है, मतलब सब्जेक्ट, खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था कराने हेतु पत्र। अब लिखते हैं, महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद का पर्याप्त सामान उपलब्ध नहीं है, इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को खेलने का सामान नहीं मिल पाता है। खेलों की समुचित व्यवस्था नहीं होने से खेलकूद के पीरियड में विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते हैं, इससे उनमें अनुशासनहीनता आ रही है, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस ओर तत्काल ध्यान देने का कष्ट करें, है ना, हम आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। ठीक है, सर्व विद्यार्थीगण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर, और यहाँ पर दिनांक लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है, और आगे भी जो सारे आंसर्स हैं क्वेश्चंस के, क्वेश्चन बैंक के, ये सब आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको अच्छे से अपनी तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स करें, पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं ताकि मैं इनकी PDF आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। हालाँकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी है, तो जिन तक भी ये PDF पहले से पहुँच चुकी है वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने रिलेटिव्स के पास भी शेयर करें, ताकि वह भी इससे अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिल रही है, किस तरह से आपके एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, तो और भी अच्छे से हम एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, और फ्री माइंड होकर विदाउट एनी टेंशन अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना, और कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा।
ठीक है, आपका पेपर अच्छा रहे, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।